इज्जत करके उसने मुझे घर से निकाला था, बजाय इसके कि माफी मांगता ऐसे बात कर रहा था जैसे एहसान कर रहा है। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, जाने ना। मैंने हॉस्पिटल से घर जाते हुए किसी को इतना अफसरदा नहीं देखा। क्या तुम वाकई उसे छोड़ना चाहते हो? शायद हाँ या शायद नहीं। ये कैसा जवाब? पता नहीं, मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। यू नो व्हाट, तुम एक बार फिर अच्छी तरह सोचने का भी बाकी रहता है कुछ? शायद कुछ नहीं, शायद बहुत कुछ। आयशा है अम्मी। आयशा, बासित ने घर नहीं जाना था? कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है। तो चला गया वो घर? तुम उसे घर छोड़ा ही हो या फिर वो तुम्हें छोड़कर चला गया? वो खुद चला गया। तो तुम्हें साथ चलने के लिए नहीं कहा उसने? नहीं। हो गया तुम्हारा शौक पूरा खिदमतें करने का? मिल गए तुम्हारे दिल को सुकून? कितना समझाती थी, कितना मना करती थी, लेकिन नहीं, इस घर में तो किसी ने माँ की बात ही नहीं सुननी। अरे बासित जैसे अमीरजादों को किसी की परवाह नहीं है, ना ही किसी का एहसास है। कोई खिदमतें कर कर के मर जाए, उसे रहम नहीं आता। सजती फिरूं, आहे भरूं, बुनती रहूं, ख्वाबों की मैं। आयशा, अम्मा की बातों को दिल पर लेकर अपना दिल बुरा मत करो। तुम तो जानती हो उन्हें। तुमने जो कुछ भी किया
अच्छी नीयत के साथ किया है। तुमने जो किया है वो तो कोई आला ज़र्फ रखने वाला ही कर सकता है आयशा। आजकल नेक नीयति और आला ज़र्फ़ से कोई मुतासर नहीं होता। माँ ठीक कह रही थी, वो एक खुद गर्ज इंसान है, उसे किसी की परवाह नहीं, किसी का एहसास नहीं। उसने मुझ पे शक नहीं किया, उसने ना मुझे मेरी हैसियत याद दिलाई है। उसे लगता है कि ये सब उसके लिए कोई भी लड़की कर देगी। हाँ, वो पैसे से खरीद सकता है ना, उसे लगता है वो वफा, एहसास, रिश्ते, ताल्लुक सब पैसे से खरीद सकता है। उसे मेरी तो कोई फिक्र नहीं, उसे मुझ पर एहसान किया, मुझसे ये पूछ के कि आप घर नहीं आएंगी, एहसान कर रहा था वो। बेइज्जत करके उसने मुझे घर से निकाला था, बजाय इसके कि माफी मांगता ऐसे बात कर रहा था जैसे एहसान कर रहा है। उसकी हर बात ऐसे होती है जैसे एहसान कर रहा है वो। उसकी माँ मुझसे वादा लेके गई थी कि मैं उसको अकेला ना छोड़ू, बस वादा पूरा रखना था मुझे। लेकिन बानो, अगर उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर दिया है तो मैं क्या करूं? तो फिर मैं गलत हूं, मेरा कसूर है, मैंने निभाने की कोशिश नहीं की। ईशा, तुमने कोई गलती नहीं की है। और वो तो बासित है जो गलतफहमी का शिकार है, उसे पछतावा होगा बहुत। दूध नहीं मंगाया था साहब, वो आयशा बाजी ने कहा था कि आपको दूध देना है। मेरी दवाइयां कहाँ हैं? अभी लाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। रात में उसे बुखार हो जाता था, मैं उसे दवा देती थी। पता नहीं उसने दवा ली होगी कि नहीं। मैं कॉल करूं? हाँ कॉल करो, और बस ये पूछना कि दवा ले ली, और फिर बंद कर देना। हाँ हाँ अच्छा नहीं सुनो, मैं सोच रही हूँ इस वक्त कॉल करना अच्छा नहीं लगेगा मेरा। तुम जो इतनी फिक्र में घुले जा रही हो भाई, तुम कॉल कर लो ना अपने फोन से, क्या हो जाएगा।
पता नहीं मैं भी क्यों परेशान हो रही हूँ। करीम है ना उनके पास, कर लेगा वो तो। कमरात से पहले मुझे इतना बुरा नहीं लगा और ना ही खामोशी मुझे डराती थी। मैंने सबसे कभी इसे मिस नहीं किया, वो नाराज होके गई है। हमेशा तुम्हारे बाप के साथ मिलकर तुम्हारी शादी के लिए बात करता रहा। मैं इस डिवोर्स का पार्टनर बनना चाहता था। गोभी पप्पू ये फूल कहाँ से आए? तुम्हारा मुलाजिम लेकर आया, इंपोर्टेड फूल लग रहे। करीम अस्सलाम वालेकुम। आयशा जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैं एक सेकंड जफरी फूल में करीम ये सब क्या है? आयशा जी ये फूल बासित साहब ने आपके लिए भेजे। मैं जाऊं? ये क्या तमाशा है? ये फूल भेजने का मकसद? फूल के लिए क्या मकसद चाहिए होता है? फूल तो हमेशा दिल से भेजे जाते हैं। मेरा मतलब है थैंक यू के लिए भेजा होगा ना। ये देखें कार्ड है थैंक यू का लगा हुआ, ये देखें। किस बात का थैंक यू? इतना ही था तो आता ना इसे लेने के लिए। मैंने भी फूल जैसी बच्ची उसके हवाले की थी। अगर उसे जरा भी कदर होती ना तो इस तरह से हाथ पकड़कर उसे बाहर ना निकालता। आप बैठी रहना और देखती रहना इन फूलों को, कुछ नहीं होगा। खुद आया नहीं और अपनी अमीरी जताने के लिए फूल भेज दिए इतने सारे। फूल भेज के बड़ा एहसान किया उसने। क्या लिखा है इसमें? थैंक यू। नहीं कोई पर्सनल नोट नहीं? पर्सनल नोट I'm done for today. Why don't you sit? Let me check first. Uske baad. Okay. Is it hurting too much? No. Okay then. Good progress. I'll see you next Monday.
Take care of your diet, rest, take your painkillers. See you. Okay, see you. जी दे आया था। आयशा ने देखे थे? जी जी, आयशा बीबी खड़ी थी वहाँ और मैं उनके सामने फूल रखता गया। क्या कह रही थी? जी कहा तो कुछ नहीं। अच्छा जी, जाओ। जी वाकई बहुत प्यारे हैं। आई थिंक तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम उसे कॉल कर लो। तुम्हें करनी कॉल करो। देखो उसकी खुद ही कॉल आ गई है। बात कर लो आयशा। हेलो। हेलो, क्या बात है? आप तो घर जाके भूल ही गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। आपको फूल मिल गए थे? जी, फूल मिल गए। इतने सारे फूल किस लिए? आपके लिए। थैंक्स कहना था आपका। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप जो करनी थी अपना फर्ज समझ के करनी थी, लेकिन मेरे लिए आपका साथ बहुत बड़ी बात है। आपकी नींद पूरी हुई? मैं सोच रहा था इतने सारे दिन हॉस्पिटल में आप जागी रही होंगी, सही से सोई भी नहीं होंगी। आयशा? जी मैं यही हूँ। मैं सोच रहा था अगर आप घर आ जाती। मैंने रात से कुछ खाया नहीं है, आप सूप बना देती मैं पी लेता। जी मैं आ जाऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। वो कल रात से कुछ खाया नहीं उसने, तो मेरे हाथ का सूप उसे पसंद है, बुला रहा था। बहुत मिस कर रहा है, सूप वो बहाना है। तुम अम्मी की बातों को ना बिल्कुल सीरियस मत लेना, उनकी तो आदत है और तुम्हें पता है जिंदगी तुम्हें गुजारनी है। आयशा तैयार होके जाओगी ना? अच्छा सा चलो। मैं सोहा, बासित की दोस्त। और आप? मैं ना कुछ बोली सैया जाने ना। अपना ख्याल रखो, आराम करो। फिलहाल ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रेड नर्स का बंदोबस्त कर लिया है। थैंक यू मानी अंकल। कितने अरसे बाद तुमने मुझे मानी अंकल का है। आपने बाबा के जाने के बाद बहुत साथ दिया मेरा। देता रहूंगा। सलमान से वादा किया था। खैर छोड़ो, ये बताओ तलाक का नोटिस भेज दूं? नहीं अभी नहीं। मैंने आयशा से इस बारे में कोई बात नहीं की है, तो मैं जानना चाहता हूँ वो क्या चाहती है। ठीक है,
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा सब। तुम्हें शक था उसके किरदार पर। सलाम आयशा बाजी। सलाम अलैकुम। आप कब आई? मैं बस अभी। आप आइए ना अंदर। अच्छा आप किचन में गए, मैं आती हूँ। जी ठीक। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आओ बैठो। आयशा क्या करेगी यहाँ बैठ के? बोर हो जाएगी हमारी बातें सुन के। मैं वो बाहर कुछ काम है, मुझे आप फ्री हो जाएं तो आ जाएं। ओके, मैं बस दो मिनट में आता हूँ। ये क्या हो रहा है बासित, मुझे समझाओगे कुछ? एक तरफ तुम उसे छोड़ रहे हो और दूसरी तरफ उससे छुपा रहे हो। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें वो हर्ट ना हो? मामा के जाने के बाद बहुत ख्याल रखा उसने मेरा। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम कुछ कह रहे हो और तुम्हारी आंखें कुछ और। मैं खुद बात करूंगा उससे। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या चाहती है। बसित, क्या तुम ये जानते हो कि तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि तुम बुरी तरह उसकी मोहब्बत में पड़ चुकी हो। आप भी बाबा की तरह गलत अंदाजे लगा रहे हैं। मत मानो मेरी बात, पर आंखें झूठ नहीं बोलती। इफ यू नीड एनी हेल्प मुझे कॉल कर लेना। और कुछ चीजें वक्त आने पर समझ आती हैं। आयशा अच्छी लड़की है, वो जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है वहां कपल्स के बीच ये अपनी मर्जी की लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। ये हमारे सर्कल का मसला है। वो तुम्हारे पास आई जब तुम्हें उसकी जरूरत थी। ये उसने किसी लालच में नहीं की। मैं जानता हूँ उनका। गुड, आई होप तुम दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है दूर हो। टेक केयर। आयशा, आयशा इतनी जल्दी आ गई तुम? हाँ। कुछ कहा बासित ने? वो क्या कहेगा, इसे शौक है बार बार उसके पीछे जाने का। इधर उसने फोन किया, इधर चल पड़ी है। मुझे तो लगता है उसने बात तक नहीं की इससे। हाँ, खाम खाम में अंदाजे ना लगाए, वो भी गलत से। आयशा, कौन सा वक्त होगा जो मेरी बेटियां मेरी सुनेगी? करीम, जी साहब। कहाँ हो तुम? साहब वो मैं माली को खाना दे रहा था। आयशा कहाँ है? वो तो उसी वक्त चली गई थी। चली गई? जी। मैं खाना लगवा दूँ? नहीं, तुम जाओ, जाके मेरा फोन लेके आओ। जी। सर आप डाइनिंग में आ जाएं, आयशा मैडम आपके लिए सूप बना के लाई थी। आप खाना खा लें, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम जाओ। ठीक है, जाओ।
तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि तुम बुरी तरह उसकी मोहब्बत में पड़ चुके हो। रोई हो ना तुम? आयशा, यार देखो, तुम रोई हो, झूठ क्यों बोल रही हो तुम मुझसे? बात सुनो, क्या कहा है बासित ने ऐसा? क्यों कमरे में बंद हो गई हो तुम? क्या कहा होगा उसने, क्या भी कह सकता है वो? कुछ नहीं कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या क्या सुन लिया तुमने? वकील को बुलाया था उसने, तलाक के पेपर्स की बात कर रहा था। ये कहने के लिए बुलाया था? हद हो गई, मुझे तो लगा वो तुमसे कुछ और कहेगा। क्या क्या कहना होगा उसे? यही कि उसे तुमसे मोहब्बत है, और क्या? पागल हो गई हो? वो मुझे कहेगा उसे मुझसे मोहब्बत है? जाहिर है, क्यों नहीं? तो वो सब क्या था? वो फूल भेजना, बार बार कॉल करना, तुम्हें फोन करके बुलाना, मोहब्बत नहीं तो और क्या है? मुझे वाकई लगा कि वो बदल के गलत लगा उसे, मैं कभी अच्छी नहीं लगी। ये रिश्ता मेरा और उसका, ये एक मिसमैच था। मैंने बहुत कोशिश की मानो कि मैं ऐसी बन जाऊं जैसी उसको चाहिए, जैसे उसको पसंद हो, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश कर लूं ना, मैं उसके मेयार पे नहीं उतर सकती। और वो जो कुछ भी कर ले, अपनी इस मगरूरी और लापरवाही से बाज नहीं आ सकता। तो इस सबके बीच मोहब्बत कहां से आए बानो? और अगर आए भी तो प्लीज मुझे बताओ कैसे। शायद ठीक कहते हो तुम, वो नहीं था तुम्हारे लिए, ना तुम उसके लिए। शायद ये रिश्ता शुरू से ही बेजोड़ था। आयशा, मैं ठीक हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो आयशा। हेलो, आप कहाँ हो यार? मैं आपको कब से कॉल्स कर रहा हूँ, आप ठीक हो? जी ठीक हूँ, सो रही थी। आप रोई हैं? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? नहीं, आपकी आवाज से लग रहा है जैसे आप रोई हो या आप रोती रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, रोई नहीं हूँ, बस नींद नहीं पूरी हो रही आजकल।
क्यों नहीं पूरी हो रही आपकी? मेरा मतलब है कोई स्ट्रेस ले रही है? पता नहीं। आप मिलके भी नहीं गई, बगैर बताए चली गई? सूप रखा ही थी। मैंने आपको सूप बनाने के लिए थोड़ी बुलाया था। फिर किस लिए बुलाया था? मुझे आपसे कुछ और बात करनी थी। किस बारे में? वो एक्चुअली आयशा, जब मैंने पेपर्स बनवाए तो हेलो आप सुन रही हैं? हेलो, आपको मैं हेलो आई थिंक जी आई थिंक कॉल कट गई थी जी, सिग्नल खराब है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था एक्चुअली, आप सुन रही हैं? मैं पेपर्स की बात कर रहा था। हेलो आयशा, हेलो आयशा, आयशा आयशा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो मिल सकते हैं? Yes, of course. तुम फिर जा रही हो उसके पास? उसने बुलाया, बात करना चाहता है। छोड़ देना चाहता है तो यूं बार बार बुलाकर इम्तिहान क्यों ले रहा है? भेजे ना तलाक के कागजात, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं, मैं उसके मुंह से खुद सुनना चाहती हूँ। अगर उसमें बोलने की हिम्मत है तो मुझ में सुनने की हिम्मत होनी चाहिए ना। नहीं, मैंने फैसला कर लिया कि अब इस खुशफहमी को नहीं पालना, जो भी है उसे फेस करना। आयशा ठीक कह रही है, उसके पीछे खुद को ख्वार करने से बेहतर है कि उससे बात करके इस मामले को खत्म करें, फैसला करें कोई। खामखा में उसके लिए खुद को लटकाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे थोड़ा सा भी इसका एहसास होता तो इसे लेने जरूर आता। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा हुआ मैडम आप आ गई, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। क्यों, बासित ठीक है? कल रात से ना कुछ खाया है ना दवाई ली है। अच्छा, तुम नाश्ता लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम आयशा बाजी। वालेकुम सलाम, बासित कहाँ है? साहब अपने रूम में। आयशा बाजी, कल आपके जाने के बाद साहब बहुत गुस्सा हुए, गुस्से में कुछ खाया पिया भी नहीं उन्होंने। जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती अब मेहरबानी करके यहीं रुके। चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। Thank you.
आप आ गई। आपने बुलाया था, कैसे ना आती? अगर आप ना आती तो मैं आने वाला था आपके पास। आप नाराज हैं मुझसे? मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? क्या देख रही हैं? चीजें वही बड़ी हैं। सब कुछ वही है, बस जिसको होना चाहिए वो नहीं है। तो हटवा दे। क्यों? अब तो आप वापस आ गए हैं। मेरा मतलब है वो चीजें, कपड़े वगैरह, रोजमर्रा की चीजें तो यहीं पर हैं। तकलीफ होती होगी, मुश्किल होती होगी। नहीं, वो चीजें मेरी नहीं थी, वो मिसेस बासित की हैं। मैं अपने साथ कोई कीमती चीज नहीं लेके गई। मुझे अंदाजा हो गया था ये सब वक्त ही। क्यों बुलाया? आप बैठे। मुझे रात भर इस बात ने बहुत परेशान रखा कि मुझे नींद भी नहीं आई। मैं बात तुमसे कैसे करूंगा? मैं जब तुमसे मिलता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे बीच में कोई टेंशन है ही नहीं। तुम ठीक हो? मैं कैसी हूं इसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। साल में क्या है? तुम खुद खोल के देख लो। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, खोल के देख। इसमें क्या है, मैं क्या समझ रही हूँ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं खुद। सही कह रही हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है कि बात करने से सब कुछ क्लियर हो सकता है। सब कुछ क्लियर है, सिर्फ कहना बाकी है। इसको मेरे लिए और मुश्किल क्यों बना रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बनाना नहीं चाहता। कह दें बासित, जो भी है अपने मुंह से कह दें। ये तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट की फाइल है। किस लिए? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ पेश आए। मैं हूं ना हूं, मेरी तकलीफ का आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आयशा बात को मत बढ़ाओ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ। आपका मटेरियलिस्टिक दिमाग इससे आगे सोच ही नहीं सकता। दो गलतियां होती नहीं और आप मेरे हाथ में ऐसे एनवेलोप पकड़ा देते जैसे इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। या तो फिर आप बार बार मुझे मेरी औकात याद दिलाना चाहते हैं। हम अमीर लोग सिर्फ नुकसान और फायदा, नुकसान और फायदे की हद तक देखते हैं। शादी भी तो आपने इसीलिए की ना, ताकि आपको कोई फायदा हो जाए। अब फिक्र मत करें, आपके साथ गुजारे हुए वक्त का कोई मुआवजा, कोई कीमत नहीं चाहिए मुझे। आयशा तो मेरी बात को गलत समझ। सर ये नाश्ता। नहीं करना नाश्ता।
एक्सक्यूज मी, मैं वासित से मिलने आई थी, वासित घर पर है? जी जाहिर सी बात है, उनका घर है तो वो घर पे ही होंगे। आप? मैं आयशा। मैं सोहा, वासित की दोस्त। और आप? मैं वासित की कुछ नहीं। मैं ना कुछ बोली।